नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाएं होंगी, जहां मराठी मानुस को संबोधित करेंगे। या महाराष्ट्र में 3 लोकसभा में वे संवाद करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करेंगे। एकनाथ शिंदे, फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि लखनऊ आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां महाराष्ट्र से आज महाराष्ट्र के दौरे पर वे आज रहेंगे। महाराष्ट्र में सीएम योगी की कई सभाएं हैं। दरअसल 3 लोकसभा क्षेत्रों में वे चुनावी सभा करेंगे, संवाद करेंगे और पार्टी प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील करेंगे, वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र में 3 लोकसभाओं में उनका ये दौरा रहने वाला है, पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए। दरअसल चुनावी सभाएं वे महाराष्ट्र में करेंगे। एकनाथ शिंदे, फडणवीस भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र में कई जगह चुनावी सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे और यहां पर अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे और जनता से वोटों की मांग करते, समर्थन की मांग करते हुए भी नजर आएंगे। पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। एकनाथ शिंदे, फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में 3 लोकसभाओं में उनका यह दौरा रहेगा, जहां पर वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महाराष्ट्र दौरा बेहद ही खास होने वाला है। 3 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, तीनों ही क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन की मांग करेंगे और जनता से उन्हें जुटाने की भी अपील करते नजर आएंगे। उस दौरान उनके साथ एकनाथ शिंदे और फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे, 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण खत्म हुआ है, दूसरे चरण की शुरुआत है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग जो है वो अन्य भाजपा शासित राज्यों में लगातार बनी हुई है। इससे पहले हमने देखा कि उनकी मांग देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, लोग उनके रैलियों के प्रस्तावित रैलियों की मांग कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में है, जहां अलग अलग 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और NDA कुनबे के उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता से वोट की अपील जो है वो करके आएंगे। मराठी मानुस को आज सीएम योगी संबोधित करेंगे और जनता को डबल इंजन सरकार की विकास गाथा के बारे में बात करेंगे। बात की जाए तो महाराष्ट्र में कुल अगर देखा जाए तो 48 सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं ये 48 सीटें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बिल्कुल यानी कि आज आधार नारे के साथ आगे भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। कहीं ना कहीं बड़ा ये इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की 48 सीटें कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनावी दौरे पर हैं और वहां की जनता को सीधे तौर पे संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि आज महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ गरजेंगे और खासतौर पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे। खैर, देखने वाली बात होगी कि उनकी अपील जनता तक कितनी पहुंचती है और जनता क्या निर्णय लेती है। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा, और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।